नमस्कार विद्यार्थियों, छठी कक्षा की वीडियो नंबर 8 में आपका स्वागत है। हम रुचिरा का तीसरा अध्याय आज प्रारंभ करेंगे। तीसरे अध्याय तीसरे पाठ का नाम है अकारांत नपुंसक लिंग है। अकारांत जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ए है अंत में जिसके, और ऐसे नपुंसक लिंग शब्द हों। अभी तक क्या पढ़ा था, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत पुल्लिंग, अब है अकारांत नपुंसक लिंग, यानी कि जो ना स्त्री जाति से और न ही पुरुष जाति से संबंध रखते हों ऐसे शब्द। तो ये हमारा पहला पहरा। एतत किम, एतत यह है। देखिए बेटा, एतत एतत का अर्थ भी यह है, सह का अर्थ भी, एशा का भी अर्थ यह होता था, एशा का अर्थ भी यह होता था। अब ये नपुंसक लिंग में रूप चलता है हमारा एतत। एतत किम, एतत यह, किम क्या है, एतत खनित्रम अस्ति, एतत यह खनित्रम कुदाल, खनित्रम क्या होता है, कुदाल, अस्ति है, यह कुदाल है। शर्मिका, शर्मिका होती है मजदूरनी, खनित्रम कुदाल चालयति चलाती है। एतत किम, यह क्या है, एतत खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। शर्मिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चालयति चलाती है। अब दूसरा, ये तत, तत कर तो तब वह, एतत यह था, तत वह, वह किम क्या है, आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, वह क्या है, तत वह विश्राम गृहम अस्ति, विश्राम आराम करने का गृहम घर है, घर अस्ति है। आप इसको विश्राम गृह भी बोल सकते हो या आराम करने का घर भी बोल सकते हो। तत वह विश्राम गृहम अस्ति, विश्राम घर है। किम क्या, अत्र यहाँ पर, भीतिकम, भीतिकम आपके लिए नया वर्ड आया है, भीतिकम क्या यहाँ पर, भीतिकम होता दीवार, अस्ति है, क्या यहाँ पर दीवार है, अत्र यहाँ पर भीतिकम दीवार नहीं अस्ति है, यहाँ पर दीवार नहीं है। तत किम वह क्या है, तत विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भीतिकम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवार है, अत्र भीतिकम न अस्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है। अब आ गया है एते के बहुवचन के लिए होता था, अब एतत से द्विवचन में आपका एते बन जाता है। एते के, ये दो क्या हैं, एते ये दोनों या ये दो के क्या हैं, एते ये दो अंगुलीय के, अंगुलीय के का अर्थ होता है अंगूठियाँ, अंगुलीय के, ये ऊ की मात्रा आपको यहाँ गै के नीचे मिस प्रिंट है, ये यहाँ आएगी बेटा, यहाँ गलत दे रखी है। एते अंगुलीय के स्तर, ये दो अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकार है, सुवर्ण, सुवर्ण होता है सुनार, कार है, सुवर्णकार है सुनार, अंगुलीय के रचियते, अंगूठियाँ बनाता है। एते के, ये दोनों क्या हैं, एते अंगुलीय के स्तर, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकार है सुनार, अंगुलीय के रचियति, अंगूठियाँ बनाता है। ते, अब बहुवचन आ गया, एतत एते ये ते, ते वे के क्या हैं, वे क्या हैं, ते वे बस याने स्त, बस याने बस हैं, यान वाहन होता है तो यहाँ पर हम बस ही लगाएंगे, वे बस हैं। ते वे बस याने बस कुत्र कहाँ पर गचत जाती हैं। ते वे रेल स्थानकम, रेल स्थानकम का अर्थ है रेलवे स्टेशन पर या स्टेशन पर गचत जाती हैं। ते के वे क्या हैं, ते बस याने स्त, वे बस हैं। ते बस याने कुत्र गचत है, वे बसे कहाँ जाती हैं। ते रेल स्थानकम गचत है, वे रेलवे स्टेशन पर या स्टेशन पर जाती हैं। एतानि बहुवचन, एतत एते एतानि बहुवचन बन गया एतानि, आपका रूप एतानि कानि, ये क्या हैं, एतानि ये क्या हैं, हम यह क्या है ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये क्या हैं, एतानि
कर वस्त्राणी संति, एतानी ये कर, कर का अर्थ होता है हाथ, वस्त्राणी का अर्थ होता है वस्त्र, हाथ में लेने वाला वस्त्र क्या होगा, रुमाल। एतानी ये कर वस्त्राणी संति हैं, ये रुमाल हैं, संति आ गया ना बहुवचन के लिए, संति एक वचन के लिए अस्ति आता है। किम, क्या ये एतानी पुराणानी, क्या ये पुराने हैं, नहीं, एतानी ये तू, तू को अर्थ है तो, नूतनानी ये तो नए हैं। एतानी कानी, ये क्या हैं, एतानी कर वस्त्राणी संति, ये रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, क्या ये पुराने हैं, नहीं, एतानी तू नूतनानी, नहीं ये तो नए हैं। तानी कानी, वे क्या हैं, तानी वे क्या हैं, तानी वे कदली फलानी, कदली का अर्थ होता है केले के, फलानी फल संति हैं, वे केले के फल हैं। किम, क्या तानी वे मधुराणी, मीठे हैं, मधुर हैं, क्या वे मीठे हैं। आम, आम का अर्थ होता है हाँ, खाने वाला आम नहीं, वो आम्रम होता है संस्कृत में, इस आम का अर्थ होगा हाँ, हाँ तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे मधुराणी मधुर अर्थात मीठे, पोषकाणी और पोषक हैं, च का अर्थ होता है और। संस्कृत में हम जब दो वस्तुओं के बीच में और लगाते हैं तो दोनों लिख के उसके बाद ओ च लगता है, जैसे मधुराणी पोषकाणी, हिंदी में होता है मधुर और पोषक, और बीच में लगता है, लेकिन यहाँ देखिए मधुराणी पोषकाणी च बाद में लगाएंगे, च का अर्थ होता है ओ। तानी कानी, वे क्या हैं, तानी कदली फलानी संति, वे केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे मीठे हैं, आम हाँ, तानी मधुराणी पुष्काणी चा, हाँ वे मीठे और पोषक हैं। ये आपकी हिंदी थी, इसकी संस्कृत की हिंदी मैंने करवाई है, आपको हिंदी मैं गृह कार्य में लिख कर दूंगी और शब्दार्थ भी लिख कर दूंगी। तब तक विद्यार्थियों आप इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे शुद्ध उच्चारण के साथ। धन्यवाद।